मम्मी मैं गेट ऑफ इंडिया पहुंच गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड ट्रैवलिंग के साथ। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। नहीं तो इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है रोहित और मैं काफ़ी टाइम से मुंबई में रह रहा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुंबई में कितनी सारी जगह है घूमने के लिए। अच्छा, तो आज सोचा कि चलो यार थोड़ा घूम लेते हैं मुंबई को। तो शुरुआत मैं गेट ऑफ इंडिया से करता हूँ, जिसको बोलते हैं मुंबई की शान, गेट ऑफ इंडिया है मेरी जान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या। तो गाइस मैं अपने स्टेशन पहुँच गया हूँ। इसके बाद मेरी ट्रेन है CST की, इसका किराया 10 रुपये लगा था। इधर एक चीज़ अच्छी है मुंबई में कि ना इधर ट्रैवलिंग बहुत सस्ती है, 10 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये बस का रेंट, ट्रेन का रेंट का भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये बंदा आराम से ना सर्वाइव कर सकता है ट्रेन में, बस में। और नहीं हमारी दिल्ली की बात हुई तो दिल्ली में तो अरे बाप रे, तो किराया इंसान को खा जाता है। ये भगवान क्या जुलूम है। तो मुंबई में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। तो चलिए ट्रेन में बैठते हैं, उसके बाद बात करते हैं। गाइस मैं इस समय छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं और यहां से अब मैं बस पकड़ूंगा जो सीधा मुझे गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचाएगी, जिसका फेयर होगा सिर्फ 6 रुपये। तो गाइस मैंने गेट ऑफ इंडिया का टिकट ले लिया है, ये मेरे को मेट्रो कार्ड से टिकट मिल गया है मुझे, क्योंकि इसमें इधर की ये चीज़ अच्छी है, यहाँ के मेट्रो कार्ड से आप बस का टिकट भी ले सकते हो। और यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ पर लाइन है, इस लाइन में से जाऊँगा तो 116 नंबर बस मिलेगी, वो मुझे सीधा पहुँचाएगी गेट ऑफ इंडिया। तो मैं एंट्री पे पहुँच गया हूँ गेट ऑफ इंडिया की, आप देख रहे हो मेरे पीछे यहाँ से एंट्री होती है। ठीक है समझ गया, गेट ऑफ इंडिया की। इसमें गेट ऑफ इंडिया पहुँच गया हूँ, यहाँ पर देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और मेरा एक छोटा सा सपना था कि मैं पब्लिक प्लेस में एक चीज़ बोलूँ, वो भी जोर से। तो इसके लिए आपका सपोर्ट है, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मम्मी मैं गेट ऑफ इंडिया पहुंच गया। भाई साहब आंटी डर गई, तो जोर से डरी, उनके भी हार्ट बीट कांप गई। जनता माफ नहीं करेगी। तो आज मैंने अपनी मन की इच्छा थी जो वो निकाल ली है, तो मुझे बहुत मजा आया। गाइस एक बार आप भी ट्राई करना, ऐसे चीख कर बोलना कि हाँ मैं इधर पहुंच गया। एक दिन तो तेरा भाई इसके अंदर रूम लेगा, बट अभी नहीं ले सकता, अभी मेरा घर जाएगा इसके अंदर। तो देखो चारों तरफ देखो कितना खूबसूरत व्यू है इसका। ऐसे कि बात करें इसकी खूबसूरती की, कि तो जितना ये फ़ोटो में खूबसूरत दिखता है ना दोस्तों, उतना ही खूबसूरत ये सामने से दिखता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और रही बात इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 85 फीट इसकी ऊँचाई है। क्या बोला तूने? और इसको 1911 में इसको है ना इसकी नींव रखी गई थी, और जॉन विटन द्वारा इसको 1914 में इसका मॉडल तैयार किया गया था, और 1924 में इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया। मैं गेटवे ऑफ इंडिया तो पहुंच गया और मैंने काफ़ी घूमा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आपको भी अच्छा लगा गेटवे ऑफ इंडिया तो प्लीज़, मेरा नया चैनल है, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करोगे तो मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह जाऊँगा और ब्लॉग बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, और आप करोगे तो मेरे को ना हिम्मत मिलेगी और मैं बहुत सारी जगह पे। मम्मी मैं पहुंच गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ऐसा बोल पाऊंगा तो प्लीज़ गाइस, ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, टेक केयर।